दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार फ्रॉम बैंक इन डेटा हाउस। तो ये वीडियो है मिसलेनियस क्वांट्स क्वेश्चन फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंस, जो कि अपकमिंग मंथ्स में होने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये उस वीडियो इनिशिएटिव के तहत है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कराऊंगा फॉर द मेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एंड क्वांट्स के क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसी के तहत मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन होंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना आपके कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू से रिलेटेड। तो अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, नहीं तो आप सॉल्यूशन को देखो जैसे मैं करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे बोला है कि क्वांटिटी वन की बात अगर की जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि बद्री व्हेन वर्क्स अलोन टेक 7.2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय बोथ बद्री एंड सुरेश। तो बद्री एंड सुरेश जितना टाइम लेते हैं ना, मान लो एक्स लेते हैं, तो बद्री कितना लेता है, एक्स प्लस 7.2 आवर्स। सिमिलरली आगे पढ़ोगे तो लिखा है सुरेश व्हेन वर्क अलोन टेक 9.8 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय बोथ बद्री एंड सुरेश टू फिनिश द वर्क। दैट मीन्स सुरेश जो है वो कितना टाइम लेता है, वो लेता है एक्स प्लस 9.8 आवर्स। आगे आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको दिखे, सिंपल तरीका होता है अंडर रूट 7.2 इंटू में 9.8, मतलब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उनको मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट में डालो, आपको यहाँ से x की वैल्यू विच इज टाइम कम्बाइंड बाई बी ए प्लस एस निकल आएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9 और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49। क्यों लिखा मैंने ऐसे, ताकि मैं इसको बाद में अंडर रूट ठीक से निकाल पाऊँ। तो 8 इंटू 9 आप देखोगे तो 8 और 2 16 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, वहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा और 49 से 7 बाहर आ जाएगा और 100 से 10 बाहर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो 8.4 आएगा, 12 से 84 को 10 से डिवाइड करो 8.4। तो पहली क्वांटिटी यहाँ पे 8.4 है, दूसरी क्वांटिटी क्या है वो भी 8.4 है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सेकंड क्वांटिटी और नो रिलेशन, विच इज ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी सेम क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 5 व्हाइट बॉल एंड 7 रेड बॉल, एटलीस्ट 1 व्हाइट बॉल इज टू बी इंक्लूडेड। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले तो सबसे पहले लिख लो कि 5 व्हाइट बॉल है, ठीक है, और 7 रेड बॉल है, इसमें से 3 बॉल हमें निकालनी है और 3 में एटलीस्ट एक व्हाइट होना चाहिए। एटलीस्ट एक व्हाइट का मतलब होता है एक व्हाइट होगा तो भी चलेगा, 2 व्हाइट होगा तो भी चलेगा, 3 व्हाइट होगा तो भी चलेगा। तो सिंपल तरीका होता है कि पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखो, 12 बॉल में से 3 निकालना है, इसको सॉल्व करोगे तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 डिवाइड बाई में 3 इंटू 2 होएगा, तो बाई सॉल्विंग दिस 220 आ जाएगा। और अगर आपको पूछे ना एटलीस्ट का कोई भी केस आ जाए तो दूसरे वाला जो भी होता है बॉल उसमें, जैसे व्हाइट का पूछा ना एटलीस्ट, तो रेड वाले का निकाल के और माइनस कर दो, तो रेड वाला कितना है 7, उसमें से अगर तीनों रेड ही निकल जाए तो क्या बनेगा, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 अपॉन में 3 इंटू 2 विच इज 35। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 185 होगा, मतलब 185 तरीके से हम जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, विच इज करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है कि ए की वैल्यू 185 निकाल दिया हमने। अब दूसरी क्वांटिटी की बात करें तो उसमें कह रहा है आपको कि द नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोग्राफ्स, देर आर 5 बॉयज, 5 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स बन सकते हैं जब ग्रुप में 2 बॉयज और 1 गर्ल्स के साथ फोटो खींची जाती है। तो सिंपल है, 5 में से 2 निकालना है और 3 में से 1 निकालना है, मल्टीप्लाई करो तो 5c2 करोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, और 3c1 कितना होता है, 3 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 20 या 60 30 आ जाएगा। तो आपको पता है पहला जो है बहुत बड़ा है दूसरे से, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल है, क्वांटिटी वन आपको निकालना है, क्या डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमाउंट आपको निकालना है। एक सम है 1440 रुपए का जिसको इन्वेस्ट किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है, सच अ वे दैट इंटरेस्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, 2% फॉर 3 ईयर, मतलब फर्स्ट पार्ट, ये रेस्ट की जगह फर्स्ट है, ये गलत लिखा वहां पे, फर्स्ट आएगा। दैट मीन्स सिमिलरली
2% फॉर 3 ईयर, मतलब मान लो कोई ए पार्ट है उसको 2% 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, दूसरे पार्ट को हमने 3% पे 4 साल के लिए किया, और तीसरे पार्ट को हमने 4% पे 5 साल पे किया, तो मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो बराबर है। दैट मीन्स अगर हम बात करें ए का 6% किसके बराबर है, बी के 12% के, एंड विच इज इक्वल्स टू सी के 20%। तो यहाँ से अगर आप रेशियो बनाओगे तो क्या बनेगा, ए रेशियो बी अगर बनाओगे, देखो 100 से 100 सारे कट जाएंगे, ए रेशियो बी बनेगा आपका 12:6, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली बी रेशियो सी बनेगा आपका कितना, 12:20, तो 20:12 हो जाएगा। तो उसको आपको पता ही है कैसे फिल करते हैं, इसको 20 अलग चाहिए। आई होप कि सबको ये आता होगा रेशियो बनाना, ठीक है। जो भी चीज़ होता है इसको इधर लिख देते हैं, जो भी होता है फिल करना होता है। तो ये बनेगा 240, ये बनेगा 120, ये 72। 12 से कटाओगे 12 में 6 बारी में, 10 बारी में और 20 बारी में, 2 से कटाओगे 10, 5 और 3। तो बड़े और छोटे के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। टोटल कितना, 18। तो 1440 को अपन ने करना क्या है, 18 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, 18 बटे 144, 560 आ जाएगी वैल्यू। तो फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू 560 आई है, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू अगर 560 आई है, दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू 460 है, इस मीन की फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आप अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, जस्ट क्लिक द पॉज बटन, सॉल्व इट एंड देन मैच विद अस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजेस से रिलेटेड है। कह रहा 5 ईयर्स एगो, देखो ये बेस लाइन खींच दिया मैंने यहाँ पे, इससे 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। 5 साल पहले की बात हो रही है किसकी, बीना एज। तो मान लो बीना अभी बी की होगी, तो 5 साल पहले कितनी होगी, बी माइनस फाइव की होगी, 3 टाइम्स दैट ऑफ आरती। तो अगर आरती यहाँ पे ए है तो आरती के 3 गुना, मतलब ए माइनस फाइव के 3 गुना है। आगे कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो, मान लो 10 साल पहले चित्रा, सॉरी बिना एज वॉज हाफ दैट ऑफ चित्रा। अगर बिना बी की थी तो बिना अब कितने की होगी, बी माइनस 10 की, और वो 3 गुना है, सॉरी हाफ है, 1/2 ऑफ चित्रा एज। तो चित्रा अगर यहाँ पे सी की होगी तो 10 साल पहले सी माइनस 10 की होगी, और चित्रा की प्रेजेंट एज भी आपको मेंशन है यहाँ पे 36 ईयर। तो 36 ईयर मेंशन है, तो इस इक्वेशन में पुट करो तो ये बनेगा 36 माइनस 10 कितना बनेगा, 26। 26 को दूसरी बार करो 13, और इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी 23। अब बी की वैल्यू 23 आ गई, तो इसमें पुट करोगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। अब बी की वैल्यू 23 है, 23 में से 5 की 18, 18 को 3 से डिवाइड करो 6, 6 में 5 जोड़ोगे 11, ए की वैल्यू जो है वो 11 आ गई। तो बी की वैल्यू 23 आ गई, ए की वैल्यू 11 आ गई, सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 36। तो पूछा क्या गया है हमसे, अगर आप देखोगे तो पूछा है आरती की एज। तो फर्स्ट क्वांटिटी में आरती की एज कितनी है, 11, और सेकंड क्वांटिटी में डिफरेंस बिटवीन चित्रा एंड बीना, तो 36 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, विच इज 1 इज लेस देन सेकंड, और सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, इस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे बोला है कि राम सेल ओनियन ऑन द स्ट्रीट ऑफ बनारसी ड्यू टू रीसेंट शॉर्ट फॉल इन द सप्लाई ऑफ ओनियन, ही डबल द सेलिंग प्राइस डिस्पाइट द कॉस्ट प्राइस रिमेन द सेम फॉर हिम ड्यू टू द फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, ही रियलाइजेस दैट द प्रॉफिट हैज ट्रिपल्ड, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज। तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करना, कैसे करेंगे देखो। लेट्स से कि सेलिंग प्राइस कुछ होगा और कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, उसका डिफरेंस कोई प्रॉफिट होगा। अब कॉस्ट प्राइस सेम ही है और उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, और इससे करने से प्रॉफिट उसका ट्रिपल हो गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब ऐसा हो गया तो सिंपल कहानी यहाँ पे ये आई है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो प्रॉफिट है उसको 3 गुना किस चीज़ की वैल्यू है, 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की। मतलब ये क्या चीज़ है, ये प्रॉफिट ही है ना, तो ये 3 प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। ये सिंपल यहाँ से पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस इसको टू में 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉरी ये भी 3 कॉस्ट प्राइस ही आएगा, तो इसको इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आओगे तो सेलिंग प्राइस इसको टू में 2 कॉस्ट प्राइस आएगा। दैट मीन्स अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 50 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 50, मतलब प्रॉफिट 50 होगा तो परसेंटेज के फॉर्म में कितना होगा, 100%। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 100% प्रॉफिट होगा इस केस में। इसका क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाउंड करो और समझो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लिखा है 2 मार्क्स का, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्जैक्टली में। देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है टीम ऑफ माइनर्स प्लांट ऑफ माइन 1800 टन फॉर ओर ड्यूरिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिन में हम रोज कुछ प्रोडक्शन करके 1800 टन प्रोडक्शन करेंगे ओर की। अब लिखा है ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल खराबी की वजह से 1/3 ऑफ द
प्लान नंबर ऑफ डेज द टीम वॉज एबल टू अचीव एन आउटपुट ऑफ 20 टर्न्स और लेस। कहने का मतलब ये है, देखो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे कि टोटल 9 डेज काम होंगे, ठीक है, और रोज जो है एक्स यूनिट बनाया जाएगा, तो कितने यूनिट बनेंगे, 1800 यूनिट बनेंगे, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। और अब क्या बोल रहा है कि 1/3 टाइम में, मतलब 9 डीज अगर डिसाइड किया गया था, तो 1/3 टाइम का मतलब कितना होता है, इसको कम करोगे तो 1/3 कितना आएगा, 3 डीज। 3 डीज में उसने क्या किया है, एक्स माइनस 20 काम किया है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो आगे अगर देखोगे आप, तो आगे लिखा है कि टू मेक अप फॉर दिस, मतलब उसको पूरा करने के लिए, द टीम ओवर अचीव फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज बाई 20 टन। मतलब जो बचा हुआ टाइम था, बचा हुआ टाइम कितना था, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 9D में से 3D काम हो गया है, तो बचा हुआ टाइम कितना है, बचा हुआ टाइम है 6D, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, एक्स प्लस 20 काम किया गया, ऐसा लिखा हुआ है, द रेस्ट ऑफ द डेज बाई 20, ओवर अचीव्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बाई 20 टर्न्स, द टीम ओवर अचीव्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बाई 20 टर्न्स, मतलब उन्होंने रोज 20 टन ज्यादा बनाया रेस्ट ऑफ द डेज के लिए। द एंड रिजल्ट वॉज दैट द टीम कंप्लीटेड द टास्क 1 डे अहेड ऑफ टाइम, मतलब एक दिन पहले कर दिया, मतलब 6D डे तो काम हुआ ही नहीं ना, काम कितना हुआ है, सिर्फ 6D माइनस 1 डे काम हुआ है, और रोज एक्स प्लस 20 हुआ, प्लस 3D डेज एक्स प्लस 20 हुआ, तो आपका जो है 1800 यूनिट बन के तैयार हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 6XD बनेगा, माइनस में एक्स माइनस में 20 बनेगा, प्लस 3XD बनेगा, प्लस में 60D बनेगा, विच इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे 6XD ये है और 3XD ये है, तो कितना बन जाएगा, 9XD, और ये आप देखोगे तो माइनस का 20 ये है, तो ये माइनस का 20 माइनस का 20 रहने दो, 60D ये है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है थोड़ी सी, इसको रफ करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 6XD, ठीक है, प्लस में 120D बनेगा ना, 120D, माइनस में एक्स माइनस में 20, ठीक है, प्लस में 3XD प्लस में 60D इक्वल्स टू में 1800। तो यहाँ देखो 6XD ये है और 3XD ये है, तो ये बनेगा 9XD, 120D है ये और ये 60D है, 120D और 160, तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 180D, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू में 1800, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, अब देखोगे तो 9XD की वैल्यू कितनी थी, 1800 थी, ठीक है ना, 9XD की वैल्यू थी 1800, तो यहाँ पे 1800 लिख दो, ठीक है। मे बी वी हैव डन सम मिस्टेक हियर, ओ यार यहाँ पे माइनस का था, सॉरी लेट मी डू इट अगेन। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा हिसाब किताब, अगर आप ध्यान से देखो तो 3D डे जो है वो एक्स माइनस 20 काम हुआ है, और प्लस बाकी के 6D माइनस में 1 डे जो है वो कितना काम हुआ है, काम हुआ है एक्स प्लस 20 काम हुआ है, और टोटल काम जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1800 हुआ है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 3XD माइनस में 60D, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 6XD और प्लस में 120D, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस एक्स माइनस 20 इस क्वेश्चन में 1800। तो देखो अब 3XD ये है और 6XD ये है, तो बन जाएगा आपका 9XD, ठीक है, और ये माइनस का 60D है और ये प्लस का 120D है, तो ये बनेगा 60D और माइनस में एक्स माइनस में 20 इस क्वेश्चन में 1800। आपको पता है 9XD की वैल्यू कितनी है, 9XD की वैल्यू देखो अगर ऊपर देखोगे आप ढंग से तो 1800 दिखेगी, दैट मींस कि ये वाली वैल्यू जो है आपकी, सिंपली ये वाली वैल्यू 1800 हो जाएगी, तो ये 1800 हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू इधर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 60D माइनस में एक्स माइनस में 20 इज इक्वल्स टू में 0। तो
तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें या फिर d की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो इजिली करेक्ट कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो यहाँ देखो d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे d की वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से तो क्या बनेगा, 1800 माइनस में x इंटू में 9, इसको डिवाइड करोगे 200 d, 200 पटे में x। तो यहाँ पे d की वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 200 बटे में x। तो देखो 60 का 60 रहेगा, इंटू में 200 बटे में x रह जाएगा, माइनस में x माइनस में 20 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 12,000, ठीक है, माइनस का x का स्क्वायर माइनस का 20x इक्वल्स टू में 0। तो इसको उधर ले जाओगे अगर, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस में 20x, ठीक है, माइनस में 12,000 इक्वल टू में 0, ठीक है। और इस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 100 आ जाएगी, बिकॉज कॉम्बिनेशन जब बनाओगे तो वो 100 और 120 का बनेगा। तो यहाँ से जो है पॉजिटिव वाली वैल्यू 100 आएगी और नेगेटिव वाली 120 आएगी, मतलब इस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके माइनस 120 और प्लस का 100 आएगा, तो प्लस वाली वैल्यू वैलिड बनी जाएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या बनी जाएगी, 100। तो हमसे पूछा क्या गया था कि हाउ मेनी टर्न्स ऑफ ओर डिड द टीम इनिशियली प्लान टू माइन। तो देखो एक्स यूनिट हमने प्लान किया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 100 है, दैट मीन्स वी हैव करेक्टेड, एंड सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन गेट -120 एंड प्लस का 100, तो यहाँ पे प्लस का 100 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और टीम ऑफ माइनस प्लान टू माइन 1800 टर्न्स ऑफ ओर ड्यूरिंग द सर्टेन नंबर, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 20 है, सॉरी 100 है, लेट मी राइट अगेन, एक्स की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे आपको पता है डी की वैल्यू कितनी थी, मतलब कितना दिन काम हुआ था, वो हुआ था 9 डेज, ठीक है। तो 9 डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप टाइम निकालो, टाइम कितना हुआ, हमने टोटल प्रोडक्शन कितना किया था, प्रोडक्शन किया था हमने 1800, इसका मतलब टाइम 18 आ जाएगा, ये चीज़ हमें पता है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है इस वाले पार्ट से, टू कंप्लीट द टास्क 2 डे बिफोर द प्लान डेट हाउ मेनी मोर टर्न्स ऑफ ओर शुड द टीम माइन पर डे आफ्टर माइनिंग ऑफ प्लान टर्न्स ओर टिल 1/3 ऑफ द प्लान नंबर ऑफ डेज। कहने का मतलब ये है, देखो इसका 1/3 करो कितना का 6, बाकी कितना बचेगा 12, 6 दिन तो काम वही चलेगा, x माइनस 20 मतलब 80 के हिसाब से, तो काम कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। अब काम बचा कितना, तो काम 1800 में से 480 हो चुका है, दैट मीन्स 1320 काम बचा हुआ है। उस काम को हमें 2 दिन पहले कंप्लीट करना है, 2 दिन पहले कंप्लीट करना मतलब 12 जगह की 10 दिन कंप्लीट करना है, मतलब हमें रोज कितना काम करना पड़ेगा, रोज हमें कितना काम करना पड़ेगा 1320 यूनिट, ठीक है, और उसको हमें 10 दिन में कंप्लीट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू कंप्लीट 1132 यूनिट्स पर डे। इसका मतलब पहले हम 100 बना रहे थे तो उससे हमें कितना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, 32 ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, देखो 32 है किसी ऑप्शन में, 32 किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, विच इज़ ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे आंसर क्या आएगा 32, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम सेट का क्वेश्चन था। अब देखो ये है 7th नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसमें भी जो है एक सेट में 2 क्वेश्चन है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। देखो यहाँ पे बोला क्या है, द पेट्रोल प्राइस शॉट बाई 7% एज रिजल्ट ऑफ हाइक इन द प्राइस ऑफ क्रूड, क्रूड की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की प्राइस 7% गिर गया, ठीक है, सॉरी बढ़ गया, ठीक है। तो पेट्रोल का प्राइस 7% बढ़ गया, मतलब कहने का क्या है, सिंपल सी कहानी है, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस अगर 100 होगा तो अब पेट्रोल का प्राइस 107 होगा, सिंपल कहानी। कह रहा कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द हाइक वॉज 54, तो पहले 54 था तो अब कितना होगा, अब होगा 54 का 107%। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिखो और छोड़ दो। कह रहा है कि राहुल ट्रैवल 2400 किलोमीटर, अब डिस्टेंस जो राहुल ट्रैवल करता है वो 2400 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो कह रहा है एवरी मंथ एंड द कार गिव्स माइलेज ऑफ 18 किलोमीटर पर लीटर, और कार जो है वो 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर जाती है, 18 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर दैट राहुल हैड टू इनकर ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस। देखो सिंपल सी कहानी है, 2400 किलोमीटर जाना है, 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब 18 और 6 24, मतलब 150 लीटर तेल की जरूरत पड़ेगी। तो 150 लीटर तेल की जरूरत पड़ेगी, तो 1 लीटर का दाम जो पहले था वो इंटू 54 था, तो अभी भी 150 लीटर तेल के लिए अब प्राइस कितना देना पड़ेगा, 54 रुपये के हिसाब से, लेकिन अब प्राइस जो है 7% बढ़ गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 150 इंटू में
ठीक है, 54 और डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है 7%, निकाल दो तो 150 का 54 इंटू में 7% प्राइस पड़ गया, तो 7% निकाल लो कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके, ये 50 से 3 बारी में जाएगा, 50 से 2 बारी में, ये 27 बारी में, 81 इंटू में 7, 7 एकम 7, 7 और 56, 570, 567 रुपये, आई एम डूइंग करेक्ट, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 6, 15 छक्के 90, 6 छियानवे, 960, और 900 इसको 7% निकालो, 742 60 67, 9 7 742 4, 9 7 67 67, सेम ही आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो सिंपली क्या करना है आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो डिफरेंस आएगा वो आपका अमाउंट होगा, जो जितना पैसा ज्यादा लगा है, तो इसमें से कोई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, द पेट्रोल प्राइस जो है 7% गिर गया, सॉरी 7% बढ़ गया, आपको बताया हाइक प्राइस से पहले जो प्राइस था, मतलब पहले प्राइस था 54, अब बढ़ के 54 का 107% हो गया, ठीक है। राहुल जो है 2400 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, और माइलेज जो है 18 की है, मतलब उसको कितनी चाहिए, 150 लीटर तेल चाहिए रोज, ठीक है, तभी बनेगा 2400। अगर भाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर शुड राहुल रिड्यूस हिज ट्रैवल इफ ही वॉन्ट टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एज द प्रीवियस वन। तो देखो पहले पैसे कितने लगते थे, 150 के हिसाब से 54 रुपये, तो अभी भी वो चाहता है इतने ही पैसे लगे, इसलिए मैंने इसको बराबर में रखा है, और वो अब एक्स किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और इस एक्स किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, उसकी माइलेज जो है 18 की है, तो इतने लीटर तेल लगेंगे, ठीक है, और प्राइस जो है वो पहले 54 थी, अब प्राइस इसका 107% हो गया है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसने पूछा अब कितने किलोमीटर जाए, कम कर दे, तो मान लिया एक्स किलोमीटर जाएगा, तो माइलेज 18 की थी, तो उसको डिवाइड करोगे तो लीटर पेट्रोल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो उसके रेट से और हाई प्राइस से, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो सॉल्व करके बताओ कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या आ रहा है इनमें से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,